बांग्लादेश को छोड़कर भागने वाली पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अभी कुछ दिनों तक भारत में ही रह सकती हैं। दरअसल खबर है कि हसीना की लंदन जाने की योजना में अड़चन आ गई है, क्योंकि ब्रिटेन उन्हें शरण देने को इच्छुक नजर नहीं आ रहा है। सूत्रों ने बताया है कि हसीना अपनी बहन रेहाना के साथ अस्थायी शरण के लिए भारत से लंदन जाने वाली थी, लेकिन इस विकल्प को अभी आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इससे पहले ब्रिटेन सरकार ने संकेत दिया था कि बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन के मद्देनजर किसी भी संभावित जांच के खिलाफ हसीना को ब्रिटेन में कानूनी संरक्षण नहीं मिल सकता है। वे माना यह भी जा रहा है कि हसीना अब संयुक्त अरब अमीरात, बेलारूस, कतर, सऊदी अरब और फिनलैंड सहित कई अन्य विकल्पों पर विचार कर रही है। जानकारी है कि अवामी लीग की नेता हसीना की भारत के रास्ते लंदन जाने की ये प्लानिंग थी और उनके सहयोगियों ने हिंडन पहुंचने से पहले भारतीय अधिकारियों को इस बारे में सूचित भी कर दिया था। हसीना ने लंदन जाने का फैसला इसलिए किया कि रेहाना की बेटी ट्यूलिप सिद्दिक ब्रिटिश संसद की सदस्य है। ट्यूलिप वित्त मंत्रालय में आर्थिक सचिव है और लेबर पार्टी की सांसद है। हालांकि बीते दिनों ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने ये बयान दिया था कि बांग्लादेश ने पिछले कुछ हफ्तों में अभूतपूर्ण हिंसा और जान माल की हानि देखी है और देश के लोग घटनाओं की संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में पूर्ण और स्वतंत्र जांच के हकदार है। ब्रिटेन के बाहर से शरण के लिए आवेदन करना संभव नहीं है और शरण के प्रत्येक दावे पर मामला दर मामला आधार पर सावधानी पूर्वक विचार किया जाता है। कहा जा रहा है कि ब्रिटेन का जरूरतमंद लोगों को सुरक्षा प्रदान करने का रिकॉर्ड रहा है, लेकिन साथ ही उसके इमिग्रेशन नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि किसी को शरण या अस्थायी शरण के लिए ब्रिटेन की यात्रा करने की अनुमति दी जाए। विशेषज्ञ ने कहा कि जिन लोगों को अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण की आवश्यकता है उन्हें सबसे पहले सुरक्षित देश में शरण लेनी चाहिए। मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया है कि हसीना ने भारत को अपने संभावित भावी कदमों के बारे में जानकारी दे दी है। ये भी पता चला है कि हसीना के परिवार के सदस्य फिनलैंड में भी है, इसीलिए वो उत्तरी यूरोपीय देश जाने के विकल्प पर भी विचार कर रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।